हमेशा ही ये प्रयास होता है कि कैसे आपको सकारात्मकता से भर दिया जाए, कैसे आपकी ज़िंदगी में जो भी नकारात्मकता है या फिर अगर आपके कुछ नकारात्मकता है तो कैसे उसे सकारात्मकता की तरफ ले जाया जाए, इस बारे में हमें गहन विचार करते हैं और उसके बाद हम आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर उपस्थित होते हैं जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। एक जिंदगी को कैसे सकारात्मक तरीके से देखना है ये भी सोचने पर आपको मजबूर कर देती है। यूं तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि इस दुनिया में जितने भी कार्य हैं या तो वो अच्छे होते हैं या फिर वो बुरे होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो इसे एक अच्छा गुण कहा जाता है, लेकिन वहीं अगर आप किसी गरीब असहाय को सता रहे हैं तो माना जाता है कि आप जो है पापी हैं। आपसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है इस जीवन में। चलिए आज हम इस पर वीडियो के जरिए इस बात पर प्रकाश डालने जा रहे हैं कि आखिरकार संसार का सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है, और इस बात पर रुख करेंगे हम भगवान शिव की मदद लेकर। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान शिव ने सिर्फ पार्वती माता को ही बताए थे 5 ऐसे चमत्कारिक राज जिन्हें जान लेने से और समझ लेने से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव ने पार्वती को ऐसे कौन से काम थे जिनकी तुलना उन्होंने पाप से की और उन कामों को करने की सख्त मनाई की। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी से, कर्मों से और साथ ही विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए। इसका मतलब हुआ पाप पूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और वाणी में भी अशुद्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना है कि मनुष्य ही काटता है जो बोता है, इसीलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका जीवन जो है वो भविष्य में ज़रूर सुगम बनेगा, लेकिन अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप जो है ना चाहते हुए भी पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो आप इस पर विशेष ध्यान। 69 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।